सूर्यवंशी के ट्रेलर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही। सबसे पहली बात कि सूर्यवंशी का ट्रेलर आने वाला है 2 तारीख को और आज फिलहाल 29 फरवरी है, यानी कि फैंस को 2 दिन का और इंतजार करना है। लेकिन कुछ इनसाइडर्स जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इतनी बढ़िया आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है कि ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी और धमाकेदार हिट होने वाली है। जी हाँ, चाहे तरुण चाचा हो, चाहे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े जानकार हो, ट्रेड एनालिस्ट हो, फिल्म एक्सपर्ट हो, जो कोई भी हो, सबके एक पॉइंट ऑफ व्यू आ चुके हैं जो बड़े इस फील्ड के थोड़े थोड़े दिग्गज है या बड़े बड़े दिग्गज है कि भैया इसका ट्रेलर जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, अनोखा है, अद्भुत है और रोहित शेट्टी अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है और यहां पर भी उन्होंने अपना परचम लहराया है। बात करें अगर ट्रेलर के कुछ सीन्स के बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है, एक तो अक्षय कुमार का जो डेयर डेविल स्टंट है, जो वो क्या कहते हैं वो हेलीकॉप्टर पे उल्टे लटके किस तरह से आ रहे हैं, वो कमाल का है। वो तो हमने उसकी कुछ झलक पहले भी देखी थी, उस बारे में वापस से बताया गया, वो कमाल का है। उसके बाद असली जो दम है इस फिल्म का वो है अक्षय कुमार के साथ साथ अजय देवगन और हमारे सिम्भा यानी कि रणवीर सिंह, ये तीनों स्लो मोशन में जब वॉक करके आते हैं, ओ माय गॉड, तो वो चीज जो है इस ट्रेलर को शानदार जानदार बनाती है। और वहीं रोहित शेट्टी का नाम अगर जुड़ गया ना दोस्तों, तो ये आप मान लो कि उनसे बेहतर मसाला एंटरटेनर फिलहाल बॉलीवुड में शायद ही कोई बनाता होगा। और उन्हें जो गली नुक्कड़ के लोग हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, सबकी परख है कि किस तरह की ऑडियंस है आज के टाइम में और किस तरह कंटेंट वो मांगते हैं, इसलिए अपनी फिल्मों में वो निखार वो लाते जा रहे हैं और सूर्यवंशी का ट्रेलर या ये फिल्म एक उसी का एक नई एक निशानी होगी, यानी कि एक बहुत बड़ा हिट टैग इसे मिलेगा हर हाल में। और जो कोई अक्षय कुमार को लेकर ये कह रहा है कि भैया चलो 150 से थोड़ा आगे तो बड़े, 200 उसके आगे नहीं जा पाएंगे, ये फिल्म बोलती बंद करने वाली है ऐसे हेटर्स की, ऐसे ट्रोलर्स की। और जो ये कहते हैं कि भैया अक्षय कुमार कनाडा भाग जाए, वहां के हैं बंदे यहां के नहीं है, उनकी भी जबान पे ताल लगने वाला है, क्योंकि ये फिल्म ये दर्शाने वाली है कि वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक एक्टर अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में है तो वो है अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार जिस तरह से छा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को अकेला ही अक्षय संभाल रहे। फिलहाल कुछ इस तरह का नजारा नजर आ रहा है और यहाँ पे अक्षय कुमार का साथ दे रहे हैं अजय देवगन और रणवीर सिंह, तो यानी कि समझ लीजिए तिकड़ी बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े झंडे गाड़ने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए फिलहाल की इतना ही, और आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कितनी बार बोलना पड़े आप लोगों को। चलिए बाय बाय।